तो ये चाट गली में घूम रहे थे और सामने देखा सरदार जी का एक बढ़िया सा स्टॉल और वहां पे दिख रहा था पनीर का एक बढ़िया सा आइटम, साथ में दिख रहे थे भाई लाजवाब से पुलाव। तो हम कहाँ रुकने वाले हैं, हम पहुंच गए भैया के पास। हेलो भैया, कैसे हो? बढ़िया भैया। भैया क्या क्या खिला रहे हो? पंजाबी पनीर, वेज बिरयानी, तवा पनीर, पनीर टिक्का, मलाई चाप, वेज कबाब, पराठा। तो आइटम तो भैया तीन ही दिख रहे हैं, आपने तो आइटम बहुत सारे गिना दिए। आइटम है इधर बगल के काउंटर लगा हुआ, सामने काउंटर लगे हुए सब। अच्छा, सामने भी लगा हुआ है, वो भी आप ही का है? जी जी जी। और ये बगल में भी लगा हुआ है जी। ये सारे तंदूरी आइटम का आपने इधर लगा रखा है? ये ग्रेवी आइटम पनीर का और सामने ग्रेवी वाली चाप है। अच्छा, तो भैया कितना टाइम हो गया आपके स्टॉल को? सर ये तो अभी नया लगा है, ये नया इसको अभी एक साल होने वाला है, होने वाला है। इसको टाइम हो गया 15-16 हो गए, 15-16 साल हो गया। और ये क्या आइटम भैया, ये दिखाओ, इसी के वजह से रुके हम तो आपको। ये भैया पंजाबी पनीर ग्रेवी वाला, ग्रेवी वाला पंजाबी पनीर जी। तो किस चीज के साथ खाते हैं? ये रुमाली रोटी पराठा भी है, तब मुगलई वाला। अच्छा, या तो रुमाली रोटी के साथ खाइए या उल्टे तवे का पराठा होता है मुगलई वाला। अच्छा, इस पे बनाते हो तो किसके साथ अच्छा लगेगा? ये रुमाली के साथ खा लीजिए आप। रुमाली के साथ या पराठे के साथ अच्छा लगेगा, आपकी मर्जी है वो। आप भैया एक काम करिए, एक बार लगाइए यही वाला लगाइए, हमारा पंजाबी पनीर लगाइए, और जो तवा पराठा आप बता रहे हैं वो लगाइए जी। तो कितने का होता है भैया ये? भैया 150 का, 150 रुपए का। ये बना के लाते हो आप? हाँ जी, यहाँ भीड़ इतनी होती है कि यहाँ बना नहीं सकते हैं। अच्छा, यहाँ बना नहीं सकते, ग्राहकों को जल्दी बहुत होती है, ग्राहकों को जल्दी होती है। भैया मैदे का होता होगा ये? जी जी जी। और ये क्या आ गया भैया? ऑयल है भैया। अच्छा, ऑयल होता है, रिफाइंड वगैरह होता है जी। पीछे से ये तो क्रिस्पी करके देते होंगे जी। तो एक थाली में कितने आते हैं भैया? दो भैया, दो आते हैं। और साथ में सैलेड वगैरह जी। टाइमिंग क्या होती है भैया? 5:30 से 12 बजे तक। अच्छा, और ये आ गया सैलेड, ऊपर से आ गई हरी चटनी। तो भैया ये तो लहसुन प्याज वाला होता होगा भैया? नहीं, ये तीनों आइटम, ये पनीर टिक्का वगैरह सब विदाउट ऑनियन वाले। तो ये लखनऊ का जाएगा कि पंजाबी पनीर वाली प्लेट हमने लगवा ली है और इसमें साथ में मिला है एक हमें मैदे का पराठा है जो कबाब पराठा के साथ सर्व किया जाता है, साथ में पंजाबी पनीर है। तो भाई सबसे पहले ट्राई करेंगे इनका ये पंजाबी पनीर जिसके लिए हम रुके थे। विदाउट ऑनियन गार्लिक वाला टेस्ट है, काफी चटपटा बना हुआ है। अब ट्राई करते हैं इनका ये पराठा और इसको ट्राई करेंगे पनीर से। भाई चूंकि ये मैदे का पराठा है तो वो वाला स्वाद तो नहीं मिलेगा आपको, और आप ये चाहो तो रुमाली रोटी के साथ भी ट्राई कर सकते हो। तो मुझे तो ये प्लेट ठीक ठीक लगी। अगर आपको भी खानी है ये वाली प्लेट तो आप आ सकते हो सदर बाजार में, आगरा में, लखनऊ का जायका पर। यहाँ पे और भी आइटम आपको खाने के लिए मिल जाएंगे। और भाई वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना, ऐसी वीडियो देखने के हमारे चैनल को फॉलो करें। मिलते हैं ऐसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।